मथुरा विधानसभा के गांव भोर सैदा में विकसित भारत संकल्प यात्रा में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष नायब सैनी पहुंचे। यह नायब सैनी और थानेसर विधायक सुभाष सुधा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लाइव सुना। इस मौके पर नायब सैनी ने प्रधानमंत्री की तस्वीर के साथ सेल्फी भी खिंचवाई। इस मौके पर नायब सैनी को सुनने के लिए बड़ी संख्या में जनता पहुंची हुई थी। इस अवसर पर मीडिया से बातचीत में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और कुरुक्षेत्र लोकसभा से सांसद नायब सैनी ने विकसित भारत संकल्प यात्रा की उपयोगिता और प्रधानमंत्री के अंत्योदय मिशन पर भी प्रकाश डाला। लगातार आदरणीय प्रधानमंत्री जी विकसित भारत संकल्प यात्रा जिसका शुभारंभ 30 तारीख को आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया, लगातार देश के लोगों से बात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी की एक सोच है कि कोई भी पात्र व्यक्ति इस लाभ से न छूटे, सरकार की योजना के साथ वो जुड़े और उसको लेकर के समय समय के ऊपर आदरणीय प्रधानमंत्री जी देश के लोगों से बात करते हैं। हरियाणा के हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहर लाल जी इस यात्रा को लेकर के हर रोज मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि कोई भी पात्र व्यक्ति छूटे नहीं, उस तक सरकार की योजना का लाभ पहुंचना चाहिए। और मजबूती से ये दोनों की दो सरकारें, डबल इंजन की सरकारें, हमारी जो विकसित भारत संकल्प एवं जनसंवाद यात्रा है इसकी चिंता करते हुए लोगों तक लाभ पहुंचाने का काम कर रही है। मैं देख रहा हूं पहली बार है, क्योंकि 2014 से पहले सरकार वोट ले लेती थी, वोट लेकर के गरीब व्यक्ति सरकार को ढूंढता था, परंतु आज सरकार गरीब व्यक्ति को गांव गांव के अंदर जाकर के ढूंढ रही है और उसको सरकार की योजना के साथ जोड़ करके लाभ पहुंचाने का काम कर रही है। ये पहली ऐसी नरेंद्र मोदी और मनोहर लाल जी की डबल इंजन की सरकार है। और मैं अपील भी लोगों से करना चाहूंगा कि आने वाले समय के अंदर 2024 में लोकसभा के 10 की 10 यहां से सीटें जीत करके तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाने का काम वो हरियाणा प्रदेश की जनता करेगी। हरियाणा के अंदर भी मनोहर लाल जी के नेतृत्व के अंदर डबल इंजन की सरकार बनेगी।